स्वागत है आपका अभिभा किचन स्टडी चैनल में। आज हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। और गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाजर लेनी है। और देखिए, ये गाजर हमने अच्छी तरह से क्रश कर ली, इसे अच्छी तरह से धोकर अच्छी तरह से हमने क्रश कर लिए हैं। और इसे धो ले और अच्छी तरह से क्रश कर लें, उसके बाद आगे का बढ़िया होगा। अब नेक्स्ट हम ये गैस को लाएंगे और एक कुकर लेंगे। कुकर में ये जो हमने गाजर को क्रश कर लिया है वो डालना है। इसे डालकर इसमें थोड़ी सी पानी डाल दें और इसमें इसका ढक्कन लगा दें और दो सीटी होने के बाद इसे अच्छी तरह से बंद कर दें, गैस का फ्लेम बंद कर दें। पैन गर्म हो चुका है और इसमें हम एक चम्मच लगभग 2.5 चम्मच तक हम घी डाल रहे हैं। अब इसमें हम बॉइल हुआ हुआ ये मैंने बॉइल किए थे, ये गाजर को मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से चलाना है, घी को मिक्स कर देना है। और इसे अच्छी तरह से पकने देना है। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखना है और इसे अच्छी तरह से पकाना है। ऐसे बीच बीच में चलाते रहें, इससे इस पैन में ना सके। और इसमें बीच में हम अब दूध ऐड करेंगे। आप दूध 1/2 kg डालें, आप अपने गाजर के अकॉर्डिंग डालें दूध। अब इस दूध को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम पकने देंगे। देखिए, ये मेरा गाजर का हलवा अच्छी तरह से पक रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आप कितना मीठा पसंद करते हैं। मैंने थोड़ी सी काजू चार इलायची का थोड़ी सी कड़ी और थोड़ी सी पिस्ता काट के मैंने रखी। पैन ले लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म करने के बाद इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ऐसे फ्राई करने से ज़्यादा टेस्ट लगता है और ड्राई फ्रूट्स कचकच नहीं लगता। और आप इसे ट्राई करके देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। देखिए, ये मेरा पक्के रेडी हो चुका है। और अब आप इसे अब ट्राई करेंगे।
तो आप मुझे खा के बताना कितना टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो आपका रेडी हो चुका है गाजर का हलवा, तो आप खा सकते हैं। तो देखिए मैं अभी जा रही हूँ अच्छी तरह से। ये कितना टेस्टी लग रहा है देख सकते हैं, कितना टेस्टी यम्मी बना है। सुबह में तो पानी आ रही है। हाँ अभी अभी